हेलो फ्रेंड्स, फाइन आर्ट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए आज फिर से कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम एक बफेलो बनाएंगे। मैंने पहले से ड्रॉ करके रख लिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करें, आराम से ड्राइंग करें और फिर स्टार्ट कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रे कलर लेंगे, ग्रे कलर से स्टार्ट करेंगे, पूरे फेस पे ग्रे कलर करना है। स्टार्ट करते हैं। पहले आउटलाइन हमेशा की तरह आउटलाइन करेंगे। आराम आराम से करना है। इसको ये लाइन से थोड़ा पहले से डार्क कर ले ताकि ये लाइट कलर अगर चलेगा, जैसे मैं यहाँ लाइट चलाऊंगा तो ये लाइंस रह जाएंगी डार्क वाली। ठीक है, ये डार्क लाइन की वजह से ये हमारा सारा ड्राइंग दिख रहा है अच्छी तरह से। अब डार्क ग्रे लेंगे। डार्क ग्रे से कहीं कहीं पे करना है, कहीं कहीं पे जहाँ पे मैं बता रहा हूँ पहले ऐसे लाइन करनी है आपको। जैसे लाइट इधर से आ रही है तो पहले इस एरिया में ऊपर लाइट होगी, नीचे डार्क होगी, तो नीचे नीचे डार्क करना है ऐसे, और इसको मिक्स कर देना है इससे। इस तरफ आएंगी लाइट, इधर से आ रही है तो इधर होगा डार्क। अभी इस कान में भी हमें करना है, ये लाइन लगानी है। थोड़ा ये लाइन डिफाइन करने के लिए ब्लैक से मैं कर दे रहा हूँ। इसके ऊपर ग्रे को चला देंगे। ब्लैक से आईज के सामने थोड़ा ब्लैक से करके ग्रे, डार्क ग्रे से इसके ऊपर चला देंगे। इसके ये पोर्शन में कान वाले एरिया पे इसको और मैं डार्क करता हूँ। अभी थोड़ा सा और डार्क होगा। ब्लैक से पहले आपको करना है, डार्क ग्रे से इसको ऊपर चलाना है। ठीक है, ये कान वाले एरिया पे हो गया,
इस कान को भी करेंगे। नोज में भी थोड़ा डार्क करूंगा मैं, पहले ये अंदर वाले पोर्शन को थोड़ा ज्यादा डार्क कर रहा हूं मैं। इसके बाद बाहर की तरफ लाइट लाइट नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा डार्क करना है यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा लाइट। लाइट कैसे इसको करेंगे, लाइट ग्रे लेंगे और अच्छी तरह से इसके ऊपर फिर से एक बार लगा देंगे, ये सारा स्मूथ हो जाएगा जो वाइट स्पेस दिख रहा है हमारा। इसके बाद ब्लैक लेके उसी तरह से ये नीचे की तरफ हम थोड़ा ऐसे डार्क चलाएंगे ऐसे, ऊपर डार्क ग्रे चला देंगे। अब सिंगों में थोड़ा से ब्लैक ब्लैक टच करेंगे जहां जहां डार्क करने की जरूरत है। और एक बार थोड़ा डार्क कर देंगे। ब्लैक लेके इस एरिया को डार्क करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे यहाँ पे डार्क ग्रे से। वाइट लेना है और आराम से धीरे धीरे करना है।
इस एरिया पे, तो ऐसे ऐसे ब्लैक और डार्क ग्रे सबसे अधिक यूज करना है। इस तरह से एज से करना है हमेशा। थोड़ा ऐसा ऐसे ब्लैक से टच करना है। ठीक है, ये एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन रेडी हो गया है। आराम से बनाएं, जैसे जैसे मैंने सिखा रहा हूँ बिल्कुल फॉलो करें। कानों में भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, कानों में बाल होती है। एक अच्छा सा कॉम्पिटिशन रेडी हो गया है। अगर मेरे वीडियो सही लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।